हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे अबेकस का लेसन 7 जो कि है जूनियर फ्रेंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। सो अबेकस में जूनियर फ्रेंड्स में 4 से लेकर 1 तक के फ्रेंड्स होते हैं। तो आइए समझते हैं हम 4 का फ्रेंड 1 कैसे बनेगा। तो चलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि 5 बन जाए, तो 4 में हम ऐड करेंगे 1, तो इसलिए 4 का फ्रेंड कौन हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह से 3 में हम कितना ऐड करेंगे कि 5 बन जाए, तो 3 में हम ऐड करेंगे 2, इसलिए 3 का फ्रेंड कौन हो गया, 2 हो गया। अब इसी तरह से 2 में हम कितना ऐड करेंगे कि 5 बन जाए, तो 2 में हम ऐड करेंगे 3, तो 2 का फ्रेंड कौन हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से 1 में हम कितना ऐड करेंगे कि 5 बन जाए, तो 1 में हम ऐड करेंगे, सोचो कितना ऐड करेंगे, 1 में ऐड करेंगे हम 4, तो 1 का फ्रेंड कौन हो गया, 4 हो गया। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ जूनियर फ्रेंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जूनियर फ्रेंड में 4 से लेकर 1 तक के फॉर्म फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही 4 से लेकर 1 तक के फॉर्मूलाज भी होते हैं। अब अगर मुझे -4 करना है और मेरे पास 4 बीट्स ना हो तो हम क्या करेंगे, तो अपर चैम्बर से हम -5 करेंगे और लोअर चैम्बर से ऐड 1 करेंगे। ऐड 1 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 4 का फ्रेंड तो 1 है, इसलिए हम ऐड 1 कर देंगे। अब इसी तरह से हमें -3 करना है और हमारे पास 3 बीट्स ना हो माइनस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, ऐड 2 करेंगे। अब इसी तरह से अगर मुझे -2 करना है तो -2 करने के लिए -5 ऐड 3 कर देंगे। अब मुझे -1 करना है, अब आप मुझे बताइए -1 करने के लिए क्या करेंगे, -5 करेंगे और ऐड करेंगे, 1 का फ्रेंड कौन है, 4 है, तो इसलिए हम ऐड 4 कर देंगे। ओके, तो आइए अब मैं आपको समझाती हूँ जूनियर फ्रेंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, सेट टू 0 करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 25 बनाना है हमें, यहाँ पे मैंने बना दिया 25। ओके, अब मुझे -4 करना है, तो ध्यान से देखिए मेरे पास तो 4 बीट्स है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे -4 करने के लिए, -5 करेंगे और ऐड 1 कर देंगे, क्योंकि 4 का फ्रेंड है 1, इसलिए हम ऐड 1 कर देंगे, -5 ऐड 1। अब मुझे करना है ऐड 3, तो ध्यान से देखिए 3 बीट्स हमारे पास है ऐड करने के लिए, हम 3 बीट्स को अप कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 24 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम सेट टू 0 करेंगे, तो हमने कर दिया सेट टू 0। अब मेक 55, ओके, सो हम यहाँ पे बना देंगे 55, देखिए 55 बना दिया मैंने। अब करना है -3, तो वंस प्लेस में हमें -3 करना है, लेकिन हमारे पास तो 3 बीट है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे -3 करने के लिए, -5 ऐड 2, क्योंकि 3 का फ्रेंड है 2, तो -5 ऐड 2। अब मुझे करना है ऐड 1, तो मैंने 1 बीट अप कर दी, आंसर देखिए कितना आया, बताओ कितना आंसर आया, आंसर इज 53, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 53। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेक 41, सबसे पहले हम करेंगे सेट टू 0, अब हम यहाँ पे बना देंगे 41, तो देखिए मैंने 41 बना दिया यहाँ पे। अब मुझे ऐड 5 करना है, तो मुझे पता है जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो वंस प्लेस में होगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी ऐड 5। अब मुझे -2 करना है, तो ध्यान से देखिए सबसे ऊपर वाले बीट की वैल्यू होती है 5 और डाउन चैम्बर वाले बीट की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पे 5 और 1 है, तो हम कैसे -2 कर देंगे, डाउन चैम्बर में तो सिर्फ मेरे पास 1 बीट है, मुझे तो 2 बीट चाहिए थी -2 करने के लिए, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 करने के लिए हम करेंगे -5 ऐड 3, तो -5 कर देंगे और 3 बीट को अप कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 44, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है मेक 15, सबसे पहले हमें 15 बनाना है, तो पहले तो हम सेट टू 0 कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 15,
तो देखिए मैंने 15 बना दिया। अब हम करेंगे माइनस वन। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास तो वन बीट है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस वन एट फोर। एट फोर हम करेंगे क्योंकि वन का फ्रेंड है फोर, तो माइनस फाइव एट फोर कर देंगे। अब मुझे करना है एट फाइव, तो अपर चैम्बर वाले बीट की वैल्यू कितनी होती है, फाइव होती है, तो हम कर देंगे एट फाइव। तो आंसर कितना आ गया, 19 आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।